हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर देख रहे हैं आसुस का ये फोन है, और इस फोन में जो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये बार बार जो है रिस्टार्ट हो रहा है, फोन कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस मोबाइल को हम फ्लैश करेंगे आज मिरेकल बॉक्स से, और इसे ADB मोड के जरिए से फ्लैश करेंगे और फास्ट बूट मोड के जरिए से फ्लैश करेंगे, ठीक है। और ये दोनों तरीके से आपको फ्लैश करके दिखाएंगे कैसे मिरेकल बॉक्स से फ्लैश किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ADB मोड से फ्लैश करने के लिए आपको मोबाइल को रिकवरी मोड में लेकर के जाना होगा। तो रिकवरी मोड में ले जाने के लिए आपको मोबाइल को वॉल्यूम माइनस और पावर की का इस्तेमाल करना होगा, कंटिन्यू आपको दबा के रखना है। उसके बाद इसमें आपका जब मोबाइल में जो है रिकवरी मोड आ जाएगा, और जब रिकवरी मोड आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रिकवरी मोड आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे पावर की को इस्तेमाल करना होगा, और जैसे हम पावर बटन को यहाँ पे दबाएंगे, उसके बाद ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली ADB मोड में चले जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सिर्फ इसमें डाटा केबल लगा देना है, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें अपना मिरेकल बॉक्स जो है ओपन कर लेना। तो हमने अपना मिरेकल बॉक्स पहले से ओपन कर रखा है। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे हमें फ्लैश करना है। तो एंड्रॉइड टूल हमें सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड्रॉइड टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉइड टूल में बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा फ्लासर है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे Xiaomi के बगल में जो आप देख रहे हैं इंटेल, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं Asus का मॉडल नंबर जो है यहाँ पे, हमें यहाँ पे तो मॉडल नंबर जो यहाँ पे जो सबसे ऊपर में है, ठीक है, Z00A, तो Z00A को ही हम यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ADB मोड के जरिए से फ्लैश करने के लिए आपको यहाँ पे साइड लोड ADB आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फ्लैश पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना यहाँ पे जो स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेसर फाइल है, और इस फाइल को हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर किया है। लेकिन ADB मोड में फ्लैश करने के लिए आपको यहाँ पे जो है इस फाइल को एक्स्ट्रा हेयर नहीं करना है, डायरेक्टली इस कंप्रेसर फाइल को आपको ले लेना है अपने इस टूल में, मिरेकल टूल में, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मोबाइल जो फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये मोबाइल फ्लैश होता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फेल हो चुका है, ये फ्लैश नहीं हुआ। तो चलिए हम क्या करेंगे, डाटा केबल को फिर से निकाल करके फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे एंड्रॉइड ADB इंटरफेस यहाँ पे शो करने चाहिए आपकी डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। चलिए हम फिर से यहाँ पे दोबारा ट्राई करते हैं कि हमारा ये मोबाइल जो है फ्लैश होता है कि नहीं है। तो फिर से हमें करना क्या होगा कि हमें फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, और स्टार्ट बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमें जो है फाइल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, और फिर से हमें जो है यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर से हम दोबारा यहाँ पे ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे डिवाइस मैनेजर में ADB इंटरफेस यहाँ पे जो है फिर से हमने दोबारा जो सर्च किया तो यहाँ पे ADB इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से हम इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये मोबाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल जो है फ्लैश हो चुका है। अगर मान के चलिए आपके मोबाइल में हैंग लोगों का प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल अटक रहा है एंड्रॉइड पे, तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, आप इस तरह से फ्लैश कर सकते हैं, ये नॉर्मल फ्लैश हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ नॉर्मल फ्लैश, और ये ADB साइड लोड के जरिए से हुआ। अब चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि आपको फास्ट बूट मोड के जरिए से कैसे आपको फ्लैश करना है। तो फास्ट बूट मोड में मोबाइल को लाने के लिए आप यहाँ पर ऊपर में जो वॉल्यूम देख रहे हैं प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम प्लस और पावर की को आपको एक साथ प्रेस करना है सेम टाइम।
उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल में फास्ट बूट मोड आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली डाटा केबल लगा करके अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है इस मोबाइल को। उसके बाद फिर से हमें जो यहाँ पे फास्ट बूट मेथड सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर से हमें जो वो फाइल सेलेक्ट कर लेना है। ये फाइल हमने फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस फाइल को चेक करेगा, इस फ्लैश फाइल को चेक करेगा कि फ्लैश फाइल सही है या नहीं। अगर ये फ्लैश फाइल सही होगा तो ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मोबाइल फ्लैश होने में तकरीबन जो टाइम लगता है वो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और आपका जो मिरेकल का जो स्टार्ट बटन है, ये जो भी हाइट है, जब तक ये ऑटोमेटिक जो है बिल्कुल शो ना करे तब तक आपको बीच में छूना नहीं है और छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है। मोबाइल को कंप्लीट फ्लैश होने के लिए देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये दो तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान के चलिए आप जो है साइड लोड एडीबी के जरिए से अगर फ्लैश करते हैं मोबाइल को, अगर उस तरह से आपके मोबाइल में काम हो जाता है, आपका मोबाइल अगर रिपेयर हो जाता है तो ठीक है। यदि अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप इस तरह से जो है फुल फ्लैश कर सकते हैं फास्ट बूट मोड के जरिए से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और अब समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।